वेलकम टू E3's क्लासेस दोस्तों, मैं काशिफ आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम REC का एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कंडेंसर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कंडेंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दो तीन स्टूडेंट्स की मेरे पास डिमांड आ रही थी जो ग्रुप में ऐड है कि सर आप एक कंडेंसर वाला टॉपिक करवा दीजिए, इसके अलावा इवेपोरेटर भी करवाना है, मुझे पता है। तो अभी मैं यहाँ पे कंडेंसर का ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ, मतलब यहाँ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी कंडेंसर की। दो से तीन दिन चलाऊंगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस है आपके लिए, एग्जाम आने ही वाला है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट नोटिस है, तो दो से तीन दिन के अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीजें कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें तो एक ही सेम रहता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है एक्चुअली सेम रहता है, तो वो चीजें सेम रहने वाली है इस वजह से, ठीक है। इसके अलावा एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी वीडियो देख रहा है दोस्त, कि यदि आपको मेरे से और कोई टॉपिक पढ़वाना है, कोई आपकी स्पेशल डिमांड है मैकेनिक्स के लिए, या फिर जैसे RRBJEE आ गई है कोई सब्जेक्ट है इस चीज के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, उस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां मुझसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा और पूरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश भी की जाएगी और कर भी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात होती है कंडेंसर की। कंडेंसर क्या है? देखिए दोस्तों, कंडेंसर हुआ या इवेपोरेटर हुआ, दोनों ही एक प्रकार के हीट एक्सचेंजर होते हैं। क्या होते हैं? हीट एक्सचेंजर होते हैं। हीट एक्सचेंजर का क्या काम होता है? हीट को एक्सचेंज करना, जैसे आपको नाम से समझ में आ जाएगा, मतलब कि गर्म चीज को ठंडा कर देता होगा और ठंडी चीज को गर्म कर देता होगा, यही काम होता होगा हीट एक्सचेंजर का। हीट एक्सचेंजर है क्या? ये एक एप्लीकेशन है हीट एंड मास ट्रांसफर, HMT जो सब्जेक्ट था हमारा, या ST जो सब्जेक्ट होता है उसकी ही एक एप्लीकेशन होती है आपकी, क्या? हीट एक्सचेंजर दोस्तों, ठीक है। तो कंडेंसर के बारे में मैंने आपको पहले ये बात बताई कि कंडेंसर एक टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। अब सवाल ये उठता है कि मेरे को कंडेंसर पढ़ूं या हीट एक्सचेंजर पढ़ूं, तो मैं आपको हीट एक्सचेंजर पढ़ाता हूं कंडेंसर के रिस्पेक्ट, ठीक है। जैसे जब मैं इवेपोरेटर पढ़ाऊंगा तो इवेपोरेटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो वहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हीट एक्सचेंजर ही पढ़ाना है आप लोगों को। दोनों के वर्क जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो अब बात करता हूं मैं जरा कंडेंसर की। अगर आपको कंडेंसर समझना है तो कंडेंसर समझने से पहले आपको बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक रेफ्रिजरेशन जो आपका पूरा का पूरा क्रम चलता है वो कैसा होता है दोस्तों? देखिए रेफ्रिजरेशन के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक होता है आपका कंप्रेसर, ठीक है, अभी मैं सिर्फ कंपोनेंट बता रहा हूं। फिर आता है आपका क्या? कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर के बाद जो आता है वो क्या आता है आपका? एक्सपेंशन वॉल्व आता है। कंडेंसर के बाद क्या आता है दोस्तों? एक्सपेंशन वॉल्व। और एक्सपेंशन वॉल्व के बाद क्या आता है आपका? इवेपोरेटर आता है। तो एक्सपेंशन वॉल्व को इस तरह से शो किया जाता है, मैं बता चुका हूं। फिर आता है आपका इवेपोरेटर, और इवेपोरेटर के बाद, इवेपोरेटर किससे कनेक्टेड होता है? कंप्रेसर से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा क्या? अपना रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको दिखाई देगा कि मैंने कंडेंसर और इवेपोरेटर में सेम संरचना बनाई है। तो क्या इनकी वर्किंग भी कुछ एक जैसी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल एक जैसी, ठीक है। एक्सपेंशन वॉल्व क्या काम करता है आप जानते होंगे, फ्लो को कंट्रोल करने का कार्य एक्सपेंशन वॉल्व करता है। तो सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहां पे आता है? कंप्रेसर के अंदर आता है, ठीक है। कहां पर आ रहा है दोस्तों? कंप्रेसर के अंदर आ रहा है, जहां पे कंप्रेसर इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? हाई टेम्परेचर एंड सॉरी वेपर रेफ्रिजरेंट आएगा यहां पे, गैसियस फेस के अंदर आ रहा है, जहां पे कंप्रेसर इसको क्या कर रहा है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वेपर के अंदर कन्वर्ट कर देता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है बेसिकली? कंप्रेसर का काम है किसी भी चीज का प्रेशर बढ़ाना, और जब प्रेशर बढ़ता है, आप सब जानते हैं कि यदि मैं किसी चीज का प्रेशर बढ़ाता हूं कंप्रेसर में, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। और अगर मैं जैसे इंजन के अंदर बात करता हूं इसी चीज की, जैसे ऐसा इंजन के अंदर, थोड़ा सा हटके जा रहा हूं, एक अलग सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा इंजन जो आते हैं आपके स्पार्क इग्निशन इंजन, उसके अंदर जब टर्बो चार्जर्स का यूज किया जाता है, वो भी टर्बो चार्जर होते क्या? बेसिकली एग्जॉस्ट गैस से एक टर्बाइन चलाया जाए,
पर वो टर्बाइन या प्रोपेलर चलाया जाएगा। वो प्रोपेलर क्या काम करेगा, कंप्रेसर से जुड़ा हुआ होगा, जो आने वाली जो इंटेक आने वाली एयर है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, तो जैसे ही आप उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हवा का भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए एक इंटरकूलर भी लगाया जाता है। ठीक है, वही सेम चीज यहां पर है, यहां पर हम कोई इंटरकूलर नहीं लगाते। क्या होता है, जो वेपर रेफ्रिजरेंट है आपका, वेपर रेफ्रिजरेंट आता है कहां पर, कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर वर्क करता है, ठीक है, कंप्रेसर उसके प्रेशर को बढ़ा देगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, अब कहां पर जाएगा वो, कंडेंसर के अंदर जाएगा। कंडेंसर क्या काम करता है दोस्तों, कंडेंसर प्रेशर को एज इट इज रहने देता है, परंतु टेम्परेचर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। टेम्परेचर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, इतना कम कर देता है कि अब जो वेपर रेफ्रिजरेंट था, जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट था, वो अपने तापमान को त्याग कर कौन सी द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और अब द्रव अवस्था के अंदर आ चुका है, परंतु ये एक हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड है। कैसा है, हाई प्रेशर है लिक्विड। अब ये हाई प्रेशर है लिक्विड जाएगा कहां पे, एक्सपेंशन वॉल्व के पास, और इस एक्सपेंशन वॉल्व लगा दो चाहे कैपिलरी ट्यूब लगा दो, ये सब क्या होते हैं, एक्सपेंशन डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जब कैपिलरी ट्यूब पे जा रहा है या एक्सपेंशन वॉल्व पे जा रहा है, ये क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि अगर रेफ्रिजरेंट पर लोड ज्यादा हो गया, मतलब आपने फ्रिज को ज्यादा भर रखा है, अगर रेफ्रिजरेटर पर लोड ज्यादा हो रहा है, आपने फ्रिज को ज्यादा भर रखा है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर में भेजने लगेगा, और अगर लोड कम हो रखा है तो वो कम अमाउंट में क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को भेजता रहेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या लगा हुआ होता है, इवेपोरेटर कॉइल पे या कूलिंग कॉइल जो होती है उसके ऊपर लगा हुआ होता है एक थर्मोस्टेट बल्ब, थर्मोस्टेट बल्ब है, जिसको बल्ब होता है, बल्ब लगा हुआ होता है, जो बेसिकली किससे काम करता है, प्रेशर से काम करता है। किससे काम करता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है थर्मोस्टेट कार्य करता है, वो थर्मोस्टेट सूचना देता रहता है किसको, कंप्रेसर को, एक्सपेंशन वाल्व को, एक्सपेंशन वाल्व को देता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग फ्लो चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी तक बात कहां पे हुई, कि जो आपका हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो आया एक्सपेंशन वाल्व पे। अब इसका नाम जब एक्सपेंशन वाल्व है या जितने भी डिवाइसेज है एक्सपेंशन डिवाइसेज है, तो ये क्या काम करते होंगे, एक्सपेंड करने का काम करते हैं किसको, एक्सपेंड करने का काम करते हैं किसको, आपके लिक्विड रेफ्रिजरेंट को। जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट था जब यहां से निकलेगा, तो इस वक्त ये लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन चुका होगा, और यहां पर क्या है, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इसी वजह से एक्सपेंशन वॉल्व के एक तरफ जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, या इस साइड को क्या कहा जाता है, हाई प्रेशर साइड कहा जाता है, और दूसरे तरफ की साइड जो होती है उसको लो प्रेशर साइड कहा जाता है। दोस्तों आपने एग्जाम के अंदर सवाल देखे होंगे, कई मॉडल टेस्ट पेपर्स के अंदर सवाल देखे होंगे कि हाई प्रेशर साइड क्या है, लो प्रेशर साइड क्या है, तो क्योंकि यहां पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हाई प्रेशर के अंदर उपस्थित है, दैट्स व्हाई ये क्या है, आपकी हाई प्रेशर साइड है, और ये लो प्रेशर साइड है क्योंकि यहां पे लो प्रेशर के अंदर रेफ्रिजरेंट अवेलेबल है, किसके, एक्सपेंशन वॉल्व या एक्सपेंशन डिवाइस की। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये जो रेफ्रिजरेंट था, ये रेफ्रिजरेंट कहां पे जा रहा है, इवेपोरेटर के अंदर जा रहा है। इवेपोरेटर कहां पे लगा हुआ होता है, फ्रिज जो है आपका उसके ऊपर, जो सबसे ऊपर है ना फ्रीजर, फ्रीजर में ये इवेपोरेटर कॉइल लगी हुई होती है। ठीक है, ये क्या काम करेगा भाई, ये क्या होगा, अत्यधिक ठंडा है। ठीक है, ठंडा कैसे हुआ, कंडेंसर ने इसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया। ठीक है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कम कर देता है कई बार। ठीक है, वो अलग अलग रेफ्रिजरेटर के लिए और अलग अलग रेफ्रिजरेंट की बात करूंगा, उसके लिए मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा। जैसे मैं अगर बताने लग जाऊं आपको वाटर कूल्ड कंडेंसर, तो आप झगड़ लोगे कि सर टेम्परेचर यदि कम हो रहा तो पानी क्यों नहीं जमा, तो इसकी बात में मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं जम रहा पानी। पानी कहां पर जमता है, इवेपोरेटर में जमता भैया। पानी जो जमेगा इवेपोरेटर की वजह से जमेगा, यहां पर तो हीट ट्रांसफर हो रही है। चलिए इसको अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, रखिए थोड़ी देर के लिए, उठा के साइड में रख दीजिए इसको। ठीक है, ये चीज रह रही है, अभी बताऊंगा, बस अभी बताऊंगा, थोड़ी देर बाद ये खत्म हो जाए। तो इवेपोरेटर के अंदर क्या हो रहा है, जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है बिलो देन -18 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर जो आपका पूरा कैबिनेट था, फ्रीजर था, उस सबका टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर मान के चलो, तो तुरंत वो क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए भी तो इसका नाम हीट एक्सचेंजर रखा है मैंने, इवेपोरेटर भी तो इसलिए हीट एक्सचेंजर का है। ये क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा, और जो अब लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो जल्दी जल्दी से सारी हीट लेता रहेगा और खुद किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, वेपर के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, और अपने टेम्परेचर को बढ़ा देगा। परंतु दिक्कत यहां पर यह आई, क्योंकि प्रेशर मैंने इस रेफ्रिजरेंट का कम कर दिया, तो अब जो वेपर बनेगी, जो वेपर रेफ्रिजरेंट बनेगा वो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट होगा, जो कहां पर जाएगा,
कंप्रेसर में जाएगा। इस तरह से ये साइकिल पूरा चलता रहेगा। बहुत सारे डिवाइसेस लगाए जाते हैं साथ में, ये मैंने एकदम सिंपल बेसिक लगाया, बेसिक बताया आपको, जैसे रिसीवर लगाया जाएगा, लिक्विड रिसीवर लगाया जाएगा जो क्या काम करता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने का काम करेगा, एक्यूमुलेटर लगाया जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेटर लगाया जाएगा, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स अलग अलग हैं जिनको लगाया जाता है पूरे रेफ्रिजरेशन के अंदर। पर यहां पर मैंने बात करी है किसकी, ओनली बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल की, कि भाई रेफ्रिजरेशन साइकिल काम कैसे करता है। समझ में आ गया आपको, कंडेंसर क्या काम कर रहा है बेसिकली, जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया उसको हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के अंदर कन्वर्ट करने का काम कैसे करेगा। ये जो कंडेंसर होता है यहां पर या तो आप पानी भर के रखते हो, या ये एयर कूल्ड होता है, या ये फोर्स कूल होता है। कैसा होता है, या तो एयर कूल्ड कर दो, या फोर्स कूल कर दो, या वॉटर कूल्ड कर दो, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो कंडेंसर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अलग अलग प्रकार के कंडेंसर्स को हम कंडेंसर की बात करते हैं। तो जैसे अब बात आती है कंडेंसर की, तो आप लिखेंगे यहां पे, ये जो इतनी सारी चीजें समझाई है सिर्फ कंडेंसर की परिभाषा को समझने के लिए समझाई गई, यहां पर इसका कोई मतलब नहीं था पर फिर भी समझाई गई। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कंडेंसर क्या काम करता है, तो आपका पहला जवाब क्या होगा, पहला और आखिरी जवाब यही रहना चाहिए, कंडेंसर एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा डिवाइस है जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च दाब तथा उच्च ताप वाली लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को या वेपर रेफ्रिजरेंट को, किसको, वेपर रेफ्रिजरेंट को, वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित करता है दोस्तों, ठीक है। तो पहली बात जो थी वो हमारी क्लियर हो गई यहां पे कि कंडेंसर क्या काम करता है, ठीक है। अभी शायद मैंने बीच में यहां पर बोल दिया था, वापस से लिक्विड बोल दिया था, करेक्ट कर लेना उसको, ठीक है। स्लिप ऑफ टंगे हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब कंडेंसर की क्रियाविधि देखते हैं, कंडेंसर कैसा दिखता है आपको। मैं जो आपको सबसे कॉमन वाला बता रहा हूं, सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूं, उसके बाद जो है हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होगा, ये किस तरह का शेल बना हुआ होगा, क्या होगा, इस तरह का सेल बना हुआ होगा, ठीक है। ये इनलेट के लिए जगह है और ये आउटलेट के लिए जगह है, ठीक है। और अंदर क्या होती है, कॉइल्स बनी हुई होती है, क्या होती है अंदर, इस तरह से अंदर ये कॉइल्स जो है कैसे मटेरियल के बनाऊंगा दोस्तों, मैं बताओ जरा, थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए उसकी, हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, 101% जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए इसकी, हाई होनी चाहिए। अगर थर्मल कंडक्टिविटी लो होगी तो यह ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस प्रकार इसके अंदर कॉइल लगी हुई होती है और यहां पर क्या भरा हुआ है, वाटर, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इस तरह से पानी भरा हुआ है, ये वाटर है और ये कंडेंसर कॉइल्स है। क्या होता है, जो आपका यहां से इनलेट होगा, ये इनलेट लिख लीजिए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट अंदर आया, ठीक है। जैसे ही अंदर आएगा तो इसको पता पड़ेगा क्या भरा हुआ है अंदर, पानी, और पानी का टेम्परेचर कैसा होगा, इसी बात है, बहुत कम होगा पानी का टेम्परेचर, 0 डिग्री से कम है नहीं, 0 डिग्री से कम पे पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री से कम नहीं होगा, और ये इनलेट किस चीज का है, वाटर के लिए है, ये इनलेट मैंने इसके अंदर, ये इनलेट किसके लिए, वाटर के लिए है,
वाटर के लिए इनलेट और वाटर के लिए आउटलेट, ठीक है, दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो अब जो आपका लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे आराम से फ्लो करता जा रहा है, हाईली प्रेशराइज्ड है, और फ्लो करते करते क्या होगा कि जो पानी था पानी के साथ हीट को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे जैसे फ्लो करेगा वैसे वैसे ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट था ये अपने टेम्परेचर को कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, और जब तक ये बाहर निकलेगा तब तक ये पूरी तरह से अपने टेम्परेचर को एकदम कम करके कहां पे आ चुका होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर आ चुका होगा। ठीक है, और जो वाटर होगा वो जो ठंडा था वो ठंडा वाटर क्या बन गया होगा, अभी तक बहुत गर्म हो गया होगा, क्योंकि ठंडे पानी ने क्या काम किया, जो भी रेफ्रिजरेंट की जितनी भी ऊष्मा थी उस सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। ठीक है, क्या किया, रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को अवशोषित कर लिया गया, इसलिए पानी हो गया गर्म और रेफ्रिजरेंट जो था वो क्या हो गया, ठंडा। और रेफ्रिजरेंट जैसे ठंडा हुआ वेपर से कौन सी फेज के अंदर आ गया, लिक्विड फेज के अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों, और यही आगे कहां पे चला गया, रिसीवर में चला गया, जहां पे आपने काफी सारा रेफ्रिजरेंट जो था वो स्टोर करके रख रखा था। ठीक है, अब मेरा सवाल ये, भाई ये चीज तो मैं आपको समझा चुका, पर मेरा सवाल क्या है, क्या यहाँ पे वाटर के अलावा कुछ चीजों को और चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रही है चीजें, हीट ट्रांसफर पर ही डिपेंड कर रही है, किस पे, हीट ट्रांसफर पर ही डिपेंड कर रही है। तो मैं जब नेचुरल टाइप का पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैंने क्या लगा रखी होगी, फिन लगा रखी होंगी, यहाँ पे क्या लगा रखूंगी, फिन लगाऊंगा, प्लेट लगाऊंगा बॉडी टाइप। ठीक है, फिर वाटर टाइप कंडेंसर पढ़ेंगे और उसके बाद आएगा फोर्स्ड कूलिंग जो कंडेंसर होते हैं उसकी बात करेंगे, इस तरह से क्लासिफिकेशन होगा अलग अलग। ठीक है, वो बात एकदम अलग है। सवाल मेरा मेन ये है कि मैंने आपको बताया कि इतनी सारी जो मैंने कॉइल्स लगाई थी इतनी घुमावदार कॉइल्स क्यों लगाई, क्या मैं सीधे सीधे एक कॉइल को नहीं लगा सकता था, सीधे सीधे मैं एक पाइप लगाता, मतलब कुछ इस तरीके से मैं एक कंटेनर लेता और उस कंटेनर के अंदर मैं सीधे सीधे एक पाइप लगा देता, यहाँ पे यहाँ से रेफ्रिजरेंट आता, यहाँ से बाहर ही अपना एक्सपेंशन लाइन वाली में जा ही रहा और यहाँ पे मैं पानी भर के रख देता और इधर इनलेट दे देता और इधर कहीं आउटलेट दे देता, बात खत्म। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने इस ये जो अंदर की जो कॉइल्स थी, मतलब अंदर की जो पाइप था, इसको मैंने इतनी सारी कॉइल्स के रूप में क्यों घुमाया, सवाल मेरा ये, सोचिए क्यों होगा। देखिए दोस्तों, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हीट ट्रांसफर है टोटल वो बेसिकली सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अगर मैं किसी वस्तु का सरफेस, यहां पर जो हीट ट्रांसफर का मोड है कौन सा है, कन्वेक्टिव है या नहीं, कन्वेक्शन हीट रहा है भाई, जो भी हो रहा है कौन सा हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। तीन मोड बता चुका हूं हजारों बार, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है कौन से मोड से हो रहा है, कन्वेक्शन से। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू एच ए एस डेल्टा टी। ठीक है, जहां पर डेल्टा टी में अगर पूरी तरह से मैं बताऊं तो क्या होगा, एच ए एस टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, टी इन्फिनिटी क्या हो गया, एम्बिएंट टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर हो गया। टी एस क्या हो गया, जो सरफेस का टेम्परेचर है, मतलब अंदर जो वेपर आपका रेफ्रिजरेंट बह रहा है उसका टेम्परेचर हो गया। तो आप यहां पर टी एस के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको प्रेशर बढ़ाना बढ़ाना है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर का तो बढ़ना लाजमी है, टेम्परेचर को तो बढ़ना पड़ेगा ही चाहे कुछ हो जाए। पानी के टेम्परेचर को आप कितना कंट्रोल करोगे, जीरो डिग्री से कम नहीं कर पाओगे, जीरो डिग्री से कम जाओगे तो क्या बन जाएगा, पानी आपका बर्फ बन जाएगा, तो कहां से इनलेट और कहां से आउटलेट जम जाएगा अंदर। ठीक है, तो इस पानी के टेम्परेचर को भी आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, एच क्या होता है, आपका होता है हीट ट्रांसफर कोफिशियंट। तो जब मैं फ्री कन्वेक्शन की बात कर रहा हूं, नेचुरल कन्वेक्शन की बात कर रहा हूं, तो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट को भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बचा क्या मेरे पास, सरफेस एरिया। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कहां पर, फिन के अंदर। कहां पर बताया था दोस्तों, फिन के अंदर बताया था, इसलिए तो मैंने एक्सटेंडेड सरफेस का यूज किया था। तो यहां पर भी मैंने, ताकि मेरा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ सके, मैंने क्या काम किया, सरफेस एरिया जो कॉइल का था उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको सीधे लगा देता पाइप को तो मुझे कितना, जैसे 5 मीटर की थी तो मुझे 5 मीटर लंबा रेफ्रिजरेटर बनाना पड़ता, और अब मैंने इस 5 मीटर की कॉइल को ऐसे घुमा के सरफेस एरिया भी इसका बढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, और कॉम्पैक्ट करके लगा दिया, सीधी सी बात है, क्योंकि जब मैंने एनालिसिस किया हीट ट्रांसफर के लिए तो मुझे पता पड़ा कि इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वापस से कन्वर्ट करने के, इस वेपर रेफ्रिजरेंट को वापस से लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मान लिया 5 मीटर की लंबी पाइप चाहिए थी, और 5 मीटर लंबा मैं जो है रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकता। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहां पे किसका यूज कर लिया, कॉइल्स का यूज कर लिया दोस्तों।
ठीक है, समझ में आ गई आपको पहली बात कि हम यहां पर कॉइल का ही क्यों यूज रखते हैं। तो ये सवाल आएगा एग्जाम में दोस्तों, लिख के ले लो, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि भाई कॉइल का क्यों यूज किया गया, तो एक ही होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। अब जरा हम देखते हैं कंडेंसर में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं भाई, एक तो हो रहा है आपका नेचुरल जो कंडक्शन है, ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन के आधार पर नेचुरल कंडेंसर, दूसरा है आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर, और तीसरा आ रहा है आपका फोर्स्ड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करता हूं वो करता हूं नेचुरल कंडेंसर। इस नेचुरल कंडेंसर के अंदर भी तीन प्रकार के कंडेंसर आते हैं भाई। नेचुरल कंडेंसर का भी दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, तो इसका पहला वर्गीकरण मैं बता रहा हूं आपको, जिसके अंदर है फिंड टाइप कंडेंसर, दूसरा वर्गीकरण है इसका प्लेट टाइप कंडेंसर, और तीसरा है बॉडी टाइप कंडेंसर। दोस्तों ये तीन है यहां पे, ठीक है, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर बात आती है कि फिंड टाइप कंडेंसर क्या होता है। तो फिंड टाइप कंडेंसर है जो पहले के रेफ्रिजरेटर के अंदर और आज भी आपको दिखाई देगा, काफी प्रचलित है, डीप फ्रीजर के अंदर यूज किया जाता है। अच्छा, फिंड टाइप से पहले मैं ये तो समझाऊं आपको नेचुरल कंडेंसर क्या चीज है। नेचुरल कंडेंसर का मतलब, हाँ ये चीज समझनी पहले जरूरी है, उसके बाद ही तो फिंड टाइप कंडेंसर पे पहुंचोगे आप। नेचुरल कंडेंसर क्या होता है भाई? ऐसा कंडेंसर जहां पर, जिसमें हीट ट्रांसफर के लिए नेचुरल एयर का, यानी कि हवा का, प्राकृतिक कंडेंसर कहा जाता है इसको, नेचुरल एयर का प्रयोग किया जाता है। किसका? नेचुरल एयर का प्रयोग किया जाता है, मतलब एयर जितनी तेज आती जाएगी उसी गति से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है आपका वो बढ़ेगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा? जितनी वेलोसिटी से एयर आ रही। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने रेफ्रिजरेटर को हम क्या करते, दीवार से सटा के नहीं रखते, दीवार से थोड़ा दूर रखा करते थे ताकि एयर जो है वो फ्लो हो पाए। और आपने कभी देखा हो तो पीछे गरम गरम हवा भी आपको महसूस होती रहती होगी, उसके अंदर वाटर टाइप नहीं हुआ करता था, वो एयर टाइप ही हुआ करता था। ठीक है, तो ये एयर टाइप के अंदर क्या करते थे हम, जो आपकी हवा है वो आएगी, कंडेंसर से हीट लेगी और चली जाएगी, इसलिए पीछे आपको गरम गरम हवा जो है प्रतीत हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो चीज आती थी किसमें आती थी? नेचुरल कंडेंसर। तो बेसिकली यहां पे कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को यदि मैं रखूंगा नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन में, तो जो भी मेरे एप्लीकेशन के कंडेंसर बढ़ेंगे वो सारे के सारे कंडेंसर कौन से होंगे? नेचुरल कंडेंसर होंगे। दोस्तों कौन से कंडेंसर होंगे? दोस्तों नेचुरल कंडेंसर होंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम और बात करेंगे। ठीक है, पर फिर हम बात करेंगे फिन जो एयर टाइप के आपके पूरे चल रहे हैं, फिर वाटर टाइप की बात करेंगे, फिर हम फोर्स्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए जो वीडियो है ये इतना ही है, अभी इसका सेकेंड पार्ट जो है जल्दी अपलोड होने वाला है दोस्तों। ठीक है, जहां पर मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना अभी आधा फिन करा के छोड़ूंगा, तो नेचुरल कंडेंसर के अंदर फिन, प्लेट और बॉडी तीनों को एक साथ पूरा करा दिया जाए एक लेक्चर में, तो वो जल्दी आपको जाएगा, क्योंकि उसके बाद जितने भी है ना फिर अपन फोर्स पढ़ेंगे, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट तो एक ही रहने वाला, जो मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर बता दिया दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।